क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा दो दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। वहीं पीएम मोदी ने जापान के पीएम किशिदा को बुद्ध की मूर्ति गिफ्ट दी और इस दौरान वो मोदी और किशिदा का एक वीडियो भी काफी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी जापान के पीएम के साथ लस्सी बनाते नजर आए। साथ ही इस दौरान पीएम गोलगप्पे खाते हुए भी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के लिए इस दौरान विशेष स्टॉल भी लगाए गए हैं। तो आप ये दो अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं, भारत और जापान के दोस्ती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में पीएम मोदी लस्सी बनाते हुए नजर आए तो दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी जापान के पीएम के साथ गोलगप्पे खाते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो ये भारत और जापान की दोस्ती की एक अनोखी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां जापान के पीएम भारत के जो स्वाद है, जो भारत का जायका है, उसका लुत्फ उठाते हुए नजर आए हैं। तो ये दो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत और जापान की दोस्ती लगातार मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पहली तस्वीर में पीएम मोदी ने पहले लस्सी बनाई, फिर उन दोनों ने ही लस्सी का जायका जो है वो चखा, लस्सी का स्वाद चखा। तो वही दूसरी तस्वीर में जापान के पीएम और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोलगप्पा भी खाते हुए नजर आए हैं। हमने दो अलग अलग तस्वीरें देखी, जहां पर पहली तस्वीर में पीएम मोदी लस्सी बनाते नजर आए तो दूसरी तस्वीर में भारत के पीएम और जापान के पीएम गोलगप्पा खाते नजर आए। तो किस तरीके से देखते हैं आप इन दोनों तस्वीरों को? जी गौरव, सादा है, उनके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बॉन्डिंग है, वो बड़े मजबूत है और समय समय पर हमने ऐसा देखा भी है। और निश्चित रूप से जो ये बॉन्डिंग है, ये तस्वीरें जारी हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए और जापान के लिए बेहतर पहल और बेहतर सामंजस्य और बेहतर व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, अगर हम बात करें तो उन पड़ोसी देशों के लिए फिलहाल ये चिंता का सबब बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर किमियो किसाडा यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर G7 सम्मेलन के लिए आमंत्रित करने आए हैं, पर जिस तरह से वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लस्सी भी बना रहे हैं, तो लस्सी का स्वाद भी ले रहे हैं, उसके अलावा गोलगप्पे भी खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बॉन्डिंग की बात हो रही है मुस्कान, वो बॉन्डिंग बहुत अहम है और यहाँ पर बॉन्डिंग के माध्यम से जापान एक ऐसा देश है जिसने 1945 के बाद भी तरह से अपने आप को विकसित किया है और लगातार जापानी टेक्नोलॉजी तमाम तरह की व्यवस्थाओं को बेहतर करती है और हम भारत में भी बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान और चीन में किस तरीके से बौखलाहट देखने को मिल सकती है? बताया पड़ोसी देश में नाम दिया जा रहा हूँ, पाकिस्तान और चीन की बात करें या रूस की बात करें, इन सभी के लिए एक चिंता का सबब है जिस तरह से भारत और जापान के बीच अंडरस्टैंडिंग हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अभी हाल में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक, ब्रिटेन और भारत की बॉन्डिंग भी लगातार हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो बॉन्डिंग हो रही है इससे हमारे जो पड़ोसी देश है चिंता का उनका कारण बन चुकी है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में व्यापारिक दृष्टिकोण की बात करें या प्रशांत महासागर क्षेत्र की बात करें या फिर अपना जो एशिया की बात करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेहतर पहल साबित होने वाली है और व्यापारिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और रणनीतिक विदेश नीति के हिसाब से देखें तो बहुत बेहतर पहल है। और फिलहाल ये तस्वीरें हमारे लिए तो बहुत बेहतर यहाँ पर संदेश लेके आई, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पड़ोसी देश है उनके लिए चिंता का सबब बन चुकी है तस्वीरें। बिल्कुल, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवरात्र यानी देवी के पवित्र 9 दिन। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों के विधि विधान से पूजा की जाती है और साल भर में कुल 4 नवरात्र आती है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्र का महत्व काफी ज्यादा होता है। इस बार बुधवार से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। वैसे तो मां दुर्गा की सवारी शेर को कहा जाता है, लेकिन जब वो धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है। इस बार माँ दुर्गा नौका पर सवार होकर आएंगी। वहीं ज्योतिष के मुताबिक इस साल नवरात्रों में माता का आगमन नौका पर और प्रस्थान जो है वो डेली पर होगा, जो कि अत्यंत शुभ कार्य योग है। तो कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर बाजार गुलजार हो चुके हैं। मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी अब देखने को मिलेगी, क्योंकि नवरात्र के 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हुए लोग माँ से आशीर्वाद मांगते हुए भी नजर आते हैं।
यूपी में बेमौसम हुई बारिश से भले ही आम इंसान को गर्मी से राहत पहुंची है, लेकिन इस बरसात ने किसानों की कमर को तोड़ दिया है। इस बरसात ने सरसों, चना, आलू और टमाटर पर ज्यादा असर डाला है, तो गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया है, जिसमें किसानों की मेहनत तो बर्बाद हुई है, साथ ही उनके आर्थिक तरीके से भी काफी टूट गए हैं। इसकी जद में बनारस के किसान भी खासा प्रभावित हुए हैं। बारिश को ध्यान में रखते हुए सीएम ने अफसरों को कई निर्देश दिए हैं। अफसर नुकसान का आकलन कर मुआवजा दें। फील्ड में अफसरों को सीएम ने भ्रमण के भी अब निर्देश दिए हैं। तो यूपी के कई जिलों में जो है, एक तरफ बारिश से किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, तो लगातार बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। जहां बनारस, बुलंदशहर, तमाम ऐसे जनपद है जहां पर किसानों के फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की उम्मीद है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिए हैं कि जल्द ही जो भी किसानों का नुकसान है उसका आकलन किया जाए। तो आप ये तीन तस्वीरें देख सकते हैं, बुलंदशहर, कानपुर और लखीमपुर की, जहां बेमौसम हुई बारिश ने जहां एक तरफ ठंड को बढ़ा दिया है तो लोगों की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। ज्यादा मुश्किलें किसानों की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बेमौसम हुई बारिश से किसानों की फसलों पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। गेहूं और तिलहन की फसल को भी नुकसान हुआ है, लेकिन बुलंदशहर, कानपुर और लखीमपुर की ये तीन तस्वीरें हम इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बेमौसम हुई बारिश ने किसानों की चिंताओं को बढ़ा दी और लगातार बारिश को लेकर यूपी में अलर्ट जारी है। तो वही आज भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। अभी तक जो सूचना है मात्र चार जनपदों के भीतर ओला पड़ने की है और भी कुछ सीमित क्षेत्र के भीतर, तो उसका आकलन कराया जा रहा है। सभी जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश किया है कि वर्षा या ओला जहां पर गिरा है उससे जो क्षति हुई है उसका आकलन करके वो रिपोर्ट भेजें आपदा आयुक्त को, वहां पर वो वहां से निर्देश जारी होगा। किसानों का शिकायत उनके यहां पहुंच नहीं पाती है, किसान योजनाएं क्या करना चाह रहे हैं? किसान योजनाओं के बारे में मैंने विस्तार से बता दिया, अब उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। नई योजना पहुंच पा रहा है, प्रचार प्रसार की कमी है, आप वो चलाएंगे थोड़े ही। अखिलेश क्या कहे, वही आप वही बोलते हैं कि कलकत्ता में अखिलेश क्या बोले, उत्तर प्रदेश में क्या बोला जा रहा है वो चलाते ही नहीं है आप, तो कहां। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से उपेंद्र और गाजियाबाद से प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जिस तरीके से गाजियाबाद में बेमौसम बारिश हुई है उससे वहां के किसानों पर कितना असर पड़ा है? देखिए मुस्कान, आपको बता दूं, गाजियाबाद में जिस तरह से जो बारिश हुई है, बारिश यानी बेमौसम बारिश हुई है, और लगातार जो किसान है, मोदी नगर, मुरादनगर और जो ये डासना मसूरी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतर किसानी की जाती है। कहीं ना कहीं जो ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। अगर बात करी जाए गेहूं की फसल, तो उनकी गेहूं की फसल जो है वो तक बर्बाद हो गई है। हालांकि जब ओलावृष्टि हुई है उसके बाद जो फसल थी उसका जो पेड़ था वो नीचे गिर चुका है। हालांकि बड़ी तेज आंधी भी आई है रात में, कहीं ना कहीं जो ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश और उसके साथ आंधी आना कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये बहुत ही बुरे संकेत है। कहीं ना कहीं किसानों को अभी राहत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये बिन मौसम बारिश है उससे किसान बहुत त्रस्त दिख रहे हैं। खासतौर पे जो मुआवजे की बात की जा रही है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, खासतौर पे उन्होंने बोला है कि जो जिले हैं खासतौर पे जहां ओलावृष्टि हुई है वहां पर उनके वो जो जितना भी नुकसान हुआ है उसको आकलन भेजा जाए सरकार के पास। कहीं ना कहीं जो मुआवजे की पहले भी बात हुई थी वहां पर किसानों को मुआवजा भी मिला था, लेकिन इस बार जो बेमौसम बारिश हुई है जिसमें कि जो सरसों की फसल है खासतौर पे, जो इस समय पर आम के जो जो फूल आए थे फूल भी झड़ चुके हैं कहीं ना कहीं तेज आंधी की वजह से, तो काफी नुकसान किसानों को झेलना पड़ा है। कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको काफी राहत मिली है मौसम से, क्योंकि मौसम काफी गर्म हुआ था बीच में, उसके बाद ठंडा मौसम हो गया है। आज भी मौसम काले बादल छाए हुए हैं पूरे दिल्ली NCR के अंदर में, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए कहीं राहत भरी खबर नहीं है। किसानों को काफी नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं अब किसान आस लगा के बैठे हैं कि सरकार की तरफ से उनको क्या कुछ मुआवजा दिया जाएगा, क्या कुछ राहत दी जाएगी। बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरीके से प्रवीण ने हमें बताया कि आज भी गाजियाबाद और दिल्ली NCR में काले बादल छाए हुए हैं, और उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं जहां आज भी लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में कानपुर में मौसम का मिजाज कैसा है आज? जो मौसम थोड़ा मौसम हुई है, पर वह यही बात जब फसल की बात रही तो कानपुर के नगर के आसपास में ग्रामीण क्षेत्र है उसको लगातार देखा तो 40-50% की फसल है वो काफी खराब हुई है। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो यूपी में मौसम का मिजाज बदला हुआ है उससे किसानों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो प्रवीण, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिस पर बारिश का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है?
जी बिल्कुल, देखिए मुस्कान आपको बताऊं, सबसे पहली जो है अन्न हमारे लिए जो गेहूं घर में आता है आटा, जिससे हम लोग रोटी खाते हैं, खासतौर पे सबसे बड़ी नुकसान जो है वो गेहूं की फसल को हुआ है, और वो भी रेडी हो चुकी, तैयार हो चुकी थी, उसका भी काफी नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं कई ऐसी अन्य फसलें भी हैं जैसे कि टमाटर हो या अन्य जो जमीन से जुड़ी हुई जैसे कुछ आलू की फसलें थी, उस पे भी काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी बुआई हुई, बुआई के बाद जैसे ही तेज बारिश हुई उसके बाद वो जो 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 मिट्टी थी वो मिट्टी बह गई, उसके बाद काफी नुकसान देखने को मिला। कहीं ना कहीं खाद पानी समेत कई चीजें ऐसी हैं जो खेती किसानी में लगाई जाती है, उसके बाद इस तरह से अगर किसान को इतना बड़ा नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए काफी चिंताजनक है। कहीं ना कहीं किसान जो किस तरह से क्रेडिट कार्ड यानी किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी करवाता है, उसके बाद लोन लेता है सरकार से, उसके बाद इस तरह से खेती किसानी करने के बाद कहीं ना कहीं जो इंद्रदेव है भगवान उनके ऊपर बारिश कर देते हैं, कहीं ना कहीं उनकी उनकी जो और जख्म है उस पे मरहम लगाने की बजाय कहीं ना कहीं उनकी जो जख्म है वो उभर के बाहर आते हैं। कहीं ना कहीं जो नुकसान उनको हो रहा है जो जिस तरह से बारिश बेमौसम से उससे काफी नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं अब जो फसलें हैं जिस तरह से कुछ लोग जल्दी तैयार कर लेते थे, लेकिन कुछ जो एक मौसमी होती है तो कहीं ना कहीं ये बिन मौसम बारिश जिस तरह से हुई है कहीं ना कहीं किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जी मुस्कान, लेकिन प्रवीण अगर हम देखें तो लगातार कई वर्ष ऐसे हैं जहां पर बेमौसम बारिश लोगों के लिए चिंता बनी हुई है। गर्मी में बारिश होती है, सर्दी के मौसम में बारिश होती है, तो यहां पर ग्लोबल वार्मिंग का कितना असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पहले भी इस बारे में चताया गया था मौसम विभाग की तरफ से और अन्य एजेंसियों की तरफ से कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है लगातार मंडरा रहा है, तो ये सब उसी का ही कारण है। जिस तरह से लोग प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिस तरह से पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं और पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है। और आपको बता दूं कि रात से ही यहाँ गाजियाबाद में तेज बारिश और तेज हवाओं के साथ जिस तरह से यहाँ पर मौसम का मिजाज बदला है, तो उससे काफी लोगों को नुकसान भी हुआ। हालांकि कई ऐसे टीन टप्पड़ वाले जो यहाँ पर जो मकान है उनके हमारे सहयोगी कानपुर में इस वक्त वो खेत में मौजूद और वो खेत की लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो किसान है उनकी फसलों को नुकसान हुआ है। तो हमको लगातार उपेंद्र तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी उपेंद्र, आप हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, आप हमको एक बार तस्वीरें दिखाइए और समझाने का प्रयास करें कि आखिर किसानों को किस तरीके से नुकसान हुआ है। जी उपेंद्र, खराब हो चुके हैं और इसमें देखा जाए कहीं ना कहीं किसान जो आसपास के जो दूर ग्रामीण क्षेत्र है वो 40-50% जो है खेती जो है पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है देखा जाए तो पूरी तरीके से इसको एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। उस टोल फ्री नंबर के बाद इस पे जो है कंप्लेन कराइए, जितना आपका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को लेकर के पूरी तरीके से जो है जो भरपाई होगी वो दी जाएगी। जी प्रवीण, हर जिलों के डीएम को निर्देश दे दिया गया है कि वो जल्द से जल्द जो भी किसानों के नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट को तैयार करें। तो कितने दिनों में ये रिपोर्ट तैयार करके भेजने के लिए बोला गया है? जी बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ से जो गाजियाबाद के डीएम है राकेश सिंह, उन्होंने खासतौर पे गाजियाबाद के जो डीएम खासतौर पे एक चीज बता दी है और सभी अधिकारियों को आगाह भी कर दिया है कि जितने भी किसान है गन्ना चाहे किसी भी फसल का जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन उनको भेजे, उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट करके आगे लखनऊ के लिए फॉरवर्ड करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो जितने भी डीएम है जिलों के, उन्होंने खासतौर पे कमर कस ली है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का आदेश है, क्योंकि किसान कोई भी किसान हो उसको नुकसान जितना भी हुआ है उसकी भरपाई की जाए, उसका आकलन किया जाए कि आखिर कितना नुकसान उसकी फसल को हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से फसल का नुकसान हुआ है इस बार अनाज भी जो है मार्केट में कम देखने को मिलेगा, हो सकता है कि इस पर कीमतें भी बढ़े क्योंकि जो अभी भी फिलहाल इस समय 40 रुपए किलो के हिसाब से जो आटा मिला है, हालांकि कुछ अभी तेल के दामों पे कमी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो जो फसलों का नुकसान हुआ है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में या अन्य जिले जितने भी हैं वहां से जिस तरह से जो यहाँ पर अन्न जो यहाँ सिटी में शहरों में आता था, अब कहीं ना कहीं वो थोड़ा महंगाई का मार देखने को मिलेगी आम जनता को। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो किसानों की तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अब अनाज के दाम मार्केट में हाई होंगे उससे कहीं ना कहीं जनता पर महंगाई की मार पड़ेगी। जी हाँ बिल्कुल, मैं खान बता रहा कानपुर जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें देखा जाए कहीं ना कहीं यहाँ पे आस पर जो लोग हैं लेबर क्लास के लोग यहाँ ज़्यादा काम करते हैं उनको देखा जाए कहीं ना कहीं तो जो प्राइवेट दुकानों से जो दुकान है उनसे जो है गेहूँ के लेते हैं, आज जो गेहूँ कीमत है उसको लेकर बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि अगर नुकसान अगर कहीं ना कहीं हो रहा है तो वो असर आम जनमानस पर असर बिल्कुल देखने को मिलेगा और महंगाई की मार आम जनमानस को फिर दोबारा पड़ेगी। बिल्कुल, धन्यवाद उपेंद्र और प्रवीण हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। जिलों में बारिश लगातार जारी है,
हम लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से गाजियाबाद, बुलंदशहर और लखनऊ में मौसम कम मिजाज बदल चुका है, जबकि अगर आज लखनऊ की बात करें यानी कि राजधानी की बात करें तो आज यहाँ का मौसम काफी सुहाना है, काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन जहां एक तरफ मौसम सुहाना है, लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो किसानों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। बुलंदशहर, कानपुर और लखीमपुर की ये हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, तो आप ये तीन अलग अलग जनपदों की तस्वीरें देख सकते हैं। तो लोक भवन में मुख्य सचिव भी इस पूरे मामले को लेकर बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बेमौसम ये बारिश हुई है उससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है, तो वहीं लोक भवन में मुख्य सचिव अब किसानों की किस तरीके से भरपाई की जाए, किस तरीके से किसानों को मुआवजा दिया जाए, इसको लेकर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं सभी जिलों के डीएम को अब निर्देश भी दे दिया गया है कि जल्द से जल्द वो किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी एक लिस्ट तैयार करें और शासन को जल्द से जल्द भेजे, ताकि जो किसान है उनको मुआवजा दिलाया जा सके जो भी उनका नुकसान हुआ है। लेकिन लगातार हमको वैज्ञानिक भी कहीं ना कहीं चेता रहे थे कि अगर हम अपने वातावरण को लेकर सचेत नहीं हुए, अगर हम अपने वातावरण को लेकर अलर्ट नहीं हुए, तो ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ेगी उसका असर सब पूरे विश्व भर में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से इस वक्त विश्व की स्थिति है, कहीं पे भूकंप, कहीं पे बाढ़, तो वहीं यूपी में भी लगातार बेमौसम बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। चार जनपदों के भीतर ओला पड़ने की है और भी कुछ सीमित क्षेत्र के भीतर, तो उसका आकलन कराया जा रहा है सभी जिलाधिकारियों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश किया है कि वर्षा या ओला जहां पर गिरा है उससे जो क्षति हुई है उसका आकलन करके वो रिपोर्ट भेजें आपदा आयुक्त को, वहां पर वो वहां से निर्देश जारी हो गया। किसानों का शिकायत उनके यहाँ पहुँच नहीं पाती है, किसान योजनाएं क्या करना चाह रहे हैं? किसान योजनाओं के बारे में विस्तार से बता दिया, अब उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। योजना पहुँच पा रहा है, प्रचार प्रसार की कमी है, आप वो चलाएंगे थोड़े ही। अखिलेश क्या कहे, वही बोलते हैं कि कलकत्ता में अखिलेश क्या बोले, उत्तर प्रदेश में क्या बोला जा रहा है, वो चलाते ही नहीं है। आप तो कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि जो भी किसानों का नुकसान हुआ है उसके लिए डीएम को आदेश दिए जा चुके हैं कि जल्द से जल्द आकलन करें जिससे किसानों को जल्दी मुआवजा दिलाया जा सके। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार तमाम अलग अलग जो जनपद है उसकी स्थिति को बता रहे थे कि कैसा मौसम है इस वक्त। तो हमने देखा कि गाजियाबाद और कानपुर में इस वक्त जो मौसम का मिजाज है वो काफी बदला हुआ आज भी नजर आया, आसमान में बादल छाए रहे। तो लगातार अलग अलग जनपदों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ते हुए वहां की स्थिति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जो बेमौसम बारिश हुई है उससे स्थिति क्या कुछ बनी हुई है उस जनपद की। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, किसान परेशान है, किसानों के माथे पर एक शिकन साफ तौर पर देखी जा सकती है कि ये जो बेमौसम बरसात हुई है, जो ये इंद्रदेव ने बरसात की है, इसने कहीं ना कहीं किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। तो वहीं एक बार फिर से हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, तमाम जनपदों की तस्वीरें हमारे सामने आई कि बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया, लेकिन आज लखनऊ में मौसम का मिजाज कैसा है विभांशु? यहाँ सुहाना है और हल्के धूप के बीच में हवा में ठंडकी की महसूस की जा रही है। बिल्कुल विभांशु, लखनऊ का मौसम सुहाना है, लखनऊ के लोग इस मौसम को कहीं ना कहीं देखा जाए तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये मौसम किसानों के लिए किस तरीके से परेशानी का सबब बना हुआ है? जी नमस्कार, अगर बात की जाए तो ये समय की बारिश और काफी साथ ओलावृष्टि से किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि हाल अगर देखा जाए तो इस वक्त खेतों के अंदर में तमाम फसलें लगी हुई है, गन्ने की फसल है, साथ ही साथ सरसों की फसल है, तुरई है और साथ ही गेहूं की फसल है, और इससे कहीं ना कहीं ओलावृष्टि से जो आम किसान है उसके फसलों पर नुकसान होता हुए नजर आया है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री इसको लेकर निर्देश भी जारी कर चुके हैं कि प्रदेश के किसानों के जो नुकसान हुए हैं, जिनके 33% से ऊपर नुकसान हुए हैं, उनके तमाम जो जिम्मेदार में अधिकारी होंगे वो अवलोकन करके रिपोर्ट
राजधानी लखनऊ भेजेंगे। बिल्कुल विभांशु, जिस तरीके से आपने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द जो भी किसानों का नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रिपोर्ट भेजे, तो सभी जिलों के डीएम को कितने दिन का समय दिया गया है रिपोर्ट तैयार करने के लिए और रिपोर्ट भेजने के लिए? जी अगर विस्तार बात की जाए तो ये बात तक साफ नहीं हो पाई है कि कितने दिनों तक भेजना है, मगर बात करने के बाद राजधानी के लखनऊ के लोक भवन में अपर मुख्य सचिव डी एस मिश्रा और साथ ही साथ राहत आयुक्त प्रभुनाथ नारायण सिंह के बीच एक बैठक चल रही है। इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री के जो निर्देश है उसका वो तमाम अमल करके और रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इसमें अगर बात की जाए तो प्रमुख सचिव के साथ तमाम अधिकारी मौजूद हैं, इस बात का अवलोकन कर रहे हैं और जिलाधिकारियों को निर्देश पारित कर रहे हैं कि 35% से ऊपर जिन किसानों की फसलों की नुकसान हुआ है उसका अवलोकन करें और निर्देश जारी जो मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है उसके तहत ये बैठक रखी गई है। अब बैठक में देखने वाली बात यह होगी कि इस मीटिंग के बाद जो तमाम अधिकारी है वो क्या निर्देश जारी करते हैं। अगर बात की जाए तो महोबा हमीरपुर और तमाम जो जिले हैं वो कहीं ना कहीं भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है यहाँ के किसानों को, क्योंकि ओलावृष्टि से भारी मात्रा में उनके फसलों का नुकसान हुआ है। बात करें तो बांदा और साबरमती से बनारस और पास में पड़ने वाले तमाम जो जिले हैं वहां पे भी ओलावृष्टि से कहीं ना कहीं किसानों की मुश्किलें बढ़ी। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ अपने निर्देश में कहते हुए नजर आ निर्देश में आप देख सकती हैं कि पशु के साथ जो तमाम पशु हैं जो किसानों को कहीं ना कहीं उन्हें उनकी जीविका में एक अहम योगदान देते हैं उनके भी अगर नुकसान हुई तो उसके भी अवलोकन प्रदेश जिले के डीएम करके और शासन को रिपोर्ट भेजेंगे। जी विपांशु, लेकिन जिस तरीके से ये बेमौसम बारिश हुई है जहां एक तरफ किसानों की चिंताएं तो बड़ी है लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं आगे आने वाले कुछ दिनों में आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ओलावृष्टि से और बेमन के बारिश से जो फसलों को नुकसान हुआ है उसका सीधा असर पैदावार पे पड़ेगा। बात की जाए तो जो सरसों के फसल होते हैं वो कहीं ना कहीं ओलावृष्टि से वो सीधे जमीन पर आकर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो उनके पैदावार में जो दाने होंगे वही होंगे और पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो मार्केट है जो तमाम जगहों पर अपने फसलों को किसान देते हैं उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फसलों के दामों में भी इजाफा होगा। बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो किसानों की फसलें बारिश से बुरी तरीके से बर्बाद हुई है, जहां एक तरफ आलू किसान इसलिए परेशान है कि उनकी जो फसल है उसे कोई खरीद नहीं रहा है, आलू को कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं मिल रही है, तो वहीं अब बेमौसम हुई बारिश ने गेहूं और तिलहन की फसलों को भी बुरी तरीके से प्रभावित किया है। तो बारिश से किसानों में हताशा हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये बारिश हुई है, जिस तरीके से जो किसानों की फसलें हैं वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जलमग्न हो गई, उससे किसानों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरठ से हमारे सहयोगी राजन सोनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, यूपी के कई जिलों में जो लगातार बारिश का दौर जारी है उससे किसान परेशान है, तो इस वक्त जो वहां के किसान हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, वो किस हद तक परेशान है या वो अब सरकार से क्या चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो बेमौसम बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है और तेज हवा का जो रूल चला है उसको लेकर किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। उनकी खेत उनकी फसल जो है बिल्कुल बर्बाद हो गई है। वहीं जो गेहूं थे वो गेहूं बिल्कुल अनाज बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। सरसों जो थी वो फसलें उनकी जो फलियां हैं वो टूट गई हैं तेज हवा होने के कारण। वहीं अगर आलू की बात करूं तो आलू बिल्कुल गीले हो गए हैं, क्योंकि आलू के इस समय जो है खुदाई होनी थी उसको लेकर खुदाई भी प्रभावित हुई है। किसानों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो बेमौसम बरसात हुई है, जो मौसम ने एकदम करवट बदली है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम था और अचानक से जो ठंड का बिल्कुल मौसम बदल गया है। लोगों ने जैकेट अपने घरों में रख रखी थी, वो जैकेट निकालनी है, जो उन्होंने अलमारियों में रख दी थी वो जैकेट भी अब लोगों के शरीर पर दिखाई दे रही है। वहीं किसानों की बात करूं तो इस बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और सरकार से उनकी यही मांग है कि जो उनका परिवार है,
जो उनकी जीविका चलाने का जो संसाधन था वो बिल्कुल कहीं ना कहीं तबाह होता दिखाई दे रहा है। मेरी सुबह भी जब हमारी सुबह किसानों से बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि हमारी सरकार से यही मांग है कि जो फसल हमारी बर्बाद हुई है उसका हमें मुआवजा मिले, सरकार उसमें उनकी मदद करे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि तेज हवाओं ने जो वलियां थी सरसों की वो तोड़ दी, और वहीं तेज हवाओं की वजह से जो तापमान है वो भी काफी हद तक टेम्परेचर उनका डाउन हुआ है। बिल्कुल तो राजन, जिस तरीके से हमने बीते दिनों भी देखा कि आलू को लेकर एक मुद्दा बनाया गया कि आलू को कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं दी जा रही है, आलू की जो फसल है उसकी कीमत अच्छी नहीं मिल रही है, ऐसे में अब ये बेमौसम बारिश हो चुकी है, किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है या जो सरकार लगातार कह रही है कि हम उन्हें मुआवजा देंगे तो किस तरीके से वो मुआवजा दिया जाएगा? देखिए बिल्कुल सरकार तो अपनी तरफ से सही कह रही है और बिल्कुल सरकार हर किसी के साथ में भी है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसान हितैषी सरकार भी है। लेकिन वहीं किसानों की जब हमने बात की तो किसानों का यही कहना था कि इस बेमौसम बारिश ने उनकी फसलें बिल्कुल तबाह कर दी हैं, जितनी उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आगे खड़ी हो गई हैं, क्योंकि जो परिवार को चलाने के लिए जो उन्होंने खेती की थी, जो उन्होंने खेत में अपने सब्जियां बो रखी थी, सरसों बो रखी थी, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बर्बाद हो गई है। उनका मुआवजा सरकार उन्हें दे दे ताकि उनका परिवार चल सके, क्योंकि बच्चे छोटे हैं उनके, यहाँ से गांव से बिल्कुल शहरी इलाकों में पढ़ने भी जाते हैं, उनकी शिक्षा भी प्रभावित होगी, और यहाँ तक कि जीवन चलाने के लिए जो रोजाना की चीजें हैं, उनकी आवश्यक वस्तुएं, चाहे वो खान पीन की हो, पहनने ओढ़ने की हो, दवाइयों की ये कहीं ना कहीं चीजें उन सब चीजों को लेकर प्रभावित होगी। अच्छा राजन, जिस तरीके से सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों के डीएम जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करें और आकलन करें कि किस तरीके से नुकसान हुआ है, तो क्या उसको लेकर के अभी तक काम शुरू हो पाया है मेरठ में? क्या कोई अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचा है खेतों पर या अभी तक नहीं? देखिए बिल्कुल मेरठ के जिलाधिकारी को ये आदेश जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि जिन जिन जिलों में भारी बारिश हुई है और उन भारी बारिश के कारण जो फसल बर्बाद हुई है किसानों की, उसको लेकर एक आंकलन अपनी रिपोर्ट जारी करें, उस रिपोर्ट के माध्यम से उनका मुआवजा है जो भी उनकी सहायता है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। तो मेरठ के जो डीएम है उन्होंने वो भी यहाँ पर किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उनका आकलन कर रहे हैं कि आखिर किसानों को फसलों को लेकर इन बेमौसम बारिश को लेकर कितना कुछ नुकसान हुआ है। ये पूरी रिपोर्ट प्रशासन की तरफ से बनाकर शासन को बहुत जल्द भेजी जाएगी और शासन उस पर किसानों की मदद करेंगे। जी बिल्कुल जी, धन्यवाद राजन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमेशा देश का अपमान करते हैं, जिसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि जनता को राहुल का बयान कतई मंजूर नहीं है। विदेश में भारत की बदनामी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो लगातार जो सभी भाजपा के नेता है वो लगातार कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी उनसे अपील कर रहे हैं कि वो माफी मांगे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। जनता पार्टी हर दिन राहुल गांधी को माफी मांगने क्यों बोल रही है? विषय गंभीर है। अगर विदेश की भूमि में जाकर राहुल गांधी बार बार विदेशी ताकतों से यह निवेदन करेंगे कि आप हिंदुस्तान आइए और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए आप हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर्स में प्रवेश करिए, उसमें घुसपैठ करिए, अगर यूके से और यूएस से राहुल गांधी लंदन भाव से ग्रहण नहीं करेगा, जनता पार्टी हर दिन राहुल गांधी को माफी मांगने क्यों? वहीं कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 17 से 19 मार्च 2023 को संपन्न हुई और बैठक में 2024 में केंद्र से भाजपा का सफाया करने का आह्वान किया गया। इसके साथ ही सपा ने राजनीति में अपनी भूमिका निभाने के लिए भी अब पहल कर दी है। सपा ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में जन जन गाँव गाँव तक समाजवादी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का इरादा जताया है। सपा ने यह विश्वास जताया है कि इस बार छल प्रपंच नफरत और झूठ की राजनीति हारेगी और सत्यमेव जयते का ही जन उद्घोष होगा।
तो सपा चलाएगी बड़ा जन आंदोलन। जी हाँ, ये सपा ने अपने अधिवेशन के बाद एक ये बड़ा फैसला लिया है कि गांव में जन चौपाल की जाएगी। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरीके से सपा ने 2024 के लिए अपनी रणनीति बना ली है कि वो गांव गांव जाएंगे, जन चौपाल लगाएंगे, क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा जब चुनावी नतीजे आएंगे? तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने पैटर्न से सरकार में जुट गए हैं। वहीं आपको बताएं कि बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर में समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक होती है। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के तमाम जो पद थे उसको फिर से नए सिरे से लोगों को बिठाया गया, उसके बाद ये पहली बैठक थी। साथ ही अखिलेश यादव के तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सभी समाजवादी पार्टी के नेता पदाधिकारी जो उच्च है वो एक मंच पर एकत्रित हुए। इसमें साफ तौर से अगर देखें तो एक चीज साफ रही कि प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी लगभग 50 सीटों पर बिल्कुल। विभांशु, जिस तरीके से ये सपा द्वारा ये कहा जाए बड़ा जन आंदोलन चलाया जाएगा, तो किन किन नेताओं को ये जिम्मेदारी मिली है? तो नुक्कड़ आपको बताया कि इस बैठक में निर्देश दिया गया कि समाजवादी पार्टी का जो हर एक मोर्चा है, एक सभा है, वो अपने अपने स्तर पर गांव से लेकर साथ ही साथ शहर तक अपने एक अपनी तमाम अभियान और तमाम तरह की जो कार्यक्रम है वो करते हुए नजर आएंगे। आप बताएं कि अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल सत्यप की तरफ से जो ओबीसी समाज है उसको जाति जनगणना को लेकर उन लोगों के बीच लगातार जाते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों अगर बात की जाए तो जाति जनगणना को लेकर लोगों का ध्यान इस मामले पर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं अगर देखे तो हाल फिलहाल के बयानों से ओबीसी और एससी समाज की ओर सेवनारी के प्रयास में है। तो बात करें तो समाजवादी पार्टी का हर एक बड़ा पदाधिकारी अपने जनता के बीच जाकर और समाजवादी पार्टी की जो उपलब्धियां है, समाजवादी पार्टी के कार्य है, साथ ही साथ जो विचार है, जनता में जो सोच है उसको आम जनता के बीच रखते हुए नजर आएंगे। अच्छा विभांशु, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि वो 2024 के चुनावों में जो यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव में गठबंधन था उसी के साथ उतरेंगे, लेकिन अभी की अगर हम मौजूदा स्थिति देखें तो ओम प्रकाश राजभर अभी काफी अलग थलग पड़े हुए दिख रहे हैं, तो क्या इस जन आंदोलन में उनकी हिस्सेदारी होगी या वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जाते हुए दिखाई देंगे? जो बिल्कुल ये अब आने वाला समय बताएगा, मगर हाल फिलहाल में अगर देखें तो सुहेल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार अगर देखें तो हाल फिलहाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं और मुख्यमंत्री से वो कई दफा मुलाकात भी कर चुके हैं। धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। सपा पूरी तरीके से जंगे मैदान में उतर चुकी है और सपा अब एक बड़ा जन आंदोलन चलाएगी, गांव गांव में जाकर जन चौपाल लगाया जाएगा, जनता को जो सपा के कार्यकाल में उपलब्धियां की थी उसके बारे में बताया जाएगा। तो 2024 के चुनावों को लेकर जिस तरीके से कोलकाता में अखिलेश यादव की कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये बेहद ही बड़ा और अहम फैसला लिया गया है कि हर गांवों में जन चौपाल लगाई जाएगी। भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस चौपाल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुटाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वो इस चौपाल को सम्पन्न कराएं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि G20 की तर्ज पर वाराणसी, आगरा, नोएडा और लखनऊ में 20-20 गांवों में सभी मापदंड पर विकास कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित भी किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि किसी भी योजना में भ्रष्टाचार या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वह इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दिसंबर तक 3 लाख नए महिला
द्वारा स्वयं सहायता समूह बनाकर 33 लाख से ज्यादा महिलाओं को उनसे जोड़ा जाएगा। वहीं सोमवार को विधान भवन स्थित अपने कक्ष में ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा भी की है। तो 20-20 गांवों को आदर्श गांव बनाने की तैयारी में जुट गई है यूपी की सरकार। वाराणसी, नोएडा, तमाम ऐसे कई शहरों को चिन्हित किया गया है जहां 20-20 तकरीबन आदर्श गांव बनाए जाएंगे, जिसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये सख्त निर्देश भी दिए हैं। और नोएडा, लखनऊ के गांवों का विकास होगा और तकरीबन 20-20 ऐसे गांवों को चिन्हित किया जाएगा जो आदर्श गांव के रूप में विकसित किए जाएंगे। वहीं बीते सोमवार को अपने कक्ष में ग्राम विकास विभाग की समीक्षा बैठक भी की गई है, जिसमें ये तमाम बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आगामी कुछ महीनों में निकाय चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर भाजपा ने भी कमर कस ली है। तो वहीं 20-20 गांवों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि जो भाजपा की योजनाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुंचे, जो गांव-गांव के लोग हैं वो भाजपा से जुड़े, जिसके लिए एक बार फिर से वाराणसी, नोएडा और लखनऊ के तकरीबन 20-20 ऐसे गांवों को चिन्हित किया गया है जो आदर्श गांव घोषित किए जाएंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को अब पद्मश्री गायक कैलाश खेर ने भी अपना समर्थन दे दिया है। जी हां, इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान कैलाश खेर ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, लेकिन अब धीरे धीरे भारतीय जाग रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन पद्धति कहती है कि सब रहो, प्रेम से रहो, तो ये भावना अच्छी है और ये सार्थक भी हो सकती है और अब धीरे धीरे मन परिवर्तित हो रहा है। बता दें कि बीते कई महीनों से लगातार धीरेंद्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसको अब बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर का भी समर्थन मिल चुका है। हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है ही है अगर देखो तो, क्योंकि जो मन है सबके वो तो भारत की ओर समर्पित है ना। जो भारत का है वो अपने सनातन का है और सनातन पद्धति कहती ही ये है कि सब रहो, प्रेम से रहो, लेकिन जब आप अपने घर का नंबर डाल दें तो एड्रेस आसान हो जाता है बताना कि भाई ये इनका पता है, ये इनका नाम है, ये इसलिए ही तो दुनिया में ये होता है। दिया है इस दौरान कहा कि जो भारत का है वो सनातन है। खबर बरेली से है, जहां जिला जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के गुर्गे लल्ला गद्दी को पुलिस ने दबोचा है। वही एसओजी की टीम ने सोमवार रात करीब 11 बजे सैटेलाइट चौराहे पर स्थित उसे गाड़ी में ले जाती हुई दिखाई दी, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। हालांकि एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने इससे इनकार किया है और वीडियो की शुरुआत में लल्ला गद्दी सैटेलाइट चौराहे पर ओवरब्रिज के नीचे खड़ा दिखाई दे रहा था। तभी एसओजी प्रभारी सुनील शर्मा सरकारी गाड़ी से पहुंचते हैं और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं। प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के हत्या की साजिश रचने में बरेली जेल में बंद अशरफ का नाम भी सामने आने के बाद से ही पुलिस लल्ला गद्दी की लगातार तलाश कर रही थी। तो आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वीडियो में लल्ला गद्दी की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें उमेश पाल हत्याकांड के एक कहा जाए कि उसमें शामिल लल्ला गद्दी की गिरफ्तारी की जा चुकी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये गिरफ्तारी नहीं की गई है, क्या कुछ कहना है? मेरी कसम है, अगर पिछले बार से बात की जाए तो अधिवक्ता उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मार कर उसके घाट का दिया गया था और पूरे घटना को लेकर तमाम फील्ड है और एसटीएफ की तमाम टीमें अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्थानों पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बीती रात की बात की जाए तो बीते सोमवार को करीब 11 बजे एक वीडियो जो है वो सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि बरेली जेल में बंद अशरफ, जो कि अतीक अहमद का भाई है, जिसको उमेश पाल हत्याकांड में बरेली जेल में
षड्यंत्र रचने का आरोप है। वहीं पर लल्ला गद्दी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अगर पुलिस के अधिकारियों की माने तो लल्ला गद्दी के गिरफ्तारी के आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम है और आज करीब 25वां दिन है, ऐसे में लगातार ये जो तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं जो कार्रवाई की बात की जाए तो पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो शुरुआत से इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस पूरी तरीके से खाली नजर आ रही है। और बीते कल की बात की जाए तो तेलियरगंज क्षेत्र में गुलाम नाम के एक अपराधी के घर पे पीडीए का बुलडोजर चला है। कहा जा रहा है कि गुलाम भी उस वेशपाल हत्याकांड में शामिल था। और बीते इस गिरफ्तारी को लेकर जो लल्ला गद्दी की गिरफ्तारी की गई है, उस पर आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस वीडियो का भी खंडन नहीं किया जा सकता, जिसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लल्ला गद्दी है वो पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर पुलिस जो है ये आधिकारिक पुष्टि करने से बचती हुई क्यों नजर आ रही है? चूंकि बिल्कुल मुस्कान, ये सवाल आपका एकदम जिस तरीके से प्रयागराज में तमाम चौराहों पर लोगों के जबान पर है, सेम अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से ये जो बातें ये आज भी वहीं पर फिट बैठ रही है, क्योंकि आज 25 दिन करीब बीत जाने के बाद भी पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई भी आला अधिकारी किसी भी तरीके से बातों को सार्वजनिक नहीं कर रहा है, क्योंकि इतने बड़े हत्याकांड को लेकर अधिकारी चुप्पी क्यों साधे है, ये एक बड़ा सवाल है। अगर बात की जाए बीते घटनाओं की तो जितने भी आला अधिकारी हैं इस पूरे घटना को लेके वो बातों को सार्वजनिक नहीं करते हैं। हालांकि इस पूरे घटना को लेके पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा ने एक बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि इस पूरे घटना को लेके तमाम ऐसी बातें हैं जो हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यह जो ऑपरेशन है वो प्रभावित होगा। बिल्कुल पवन, पुलिस ना आधिकारिक पुष्टि करती है गिरफ्तारियों को लेकर, छोटे छोटे गुर्गों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन मुख्य आरोपियों को तो नहीं पकड़ पा रही है। किस तरीके से पुलिस काम कर रही है जो आरोपी उनके गिरफ्त से बाहर है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल इसलिए भी है कि जब दिन दहाड़े भरे चौराहे पर किसी को गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया जाए और उसका पूरी तस्वीरें है वो सामने आ जाए, करीब 6-7 ऐसे चेहरे थे जो साफ तौर पर देखे गए थे। और पुलिस की बात की जाए तो पूरे कार्रवाई के दौरान पुलिस हालांकि दावा कर रही है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अगर समय की बात की जाए तो आज करीब 25 दिन बीत गए हैं। ऐसे में जो पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य आरोपी थे, जो चौराहे पर देखे गए थे, जो तस्वीरों में देखे गए थे और घटनाक्रम के दौरान देखे गए थे, वो अभी तक पुलिस के पकड़ से दूर है। तो निश्चित रूप से पुलिस की कार्रवाई पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। हालांकि लल्ला गद्दी की गिरफ्तारी का अभी तक अधिकारियों ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो अच्छा पवन, अगर वाकई में लल्ला गद्दी की गिरफ्तारी हो चुकी है तो क्या लगता है इसके गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ और तथ्य निकल के सामने आ सकते हैं? क्योंकि देखिए सारी बातें एक ही जगह जाके रुक रही है कि जब तक किसी भी मामले को लेके अधिकारी कोई बयान सामने ना आ जाए, कोई अधिकारी उस बातों को बताए ना, तो इस तरीके की जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर तमाम तरह का रूप ले लेती है। कहीं ये भी कहा जाता है कि आज फला जगह कार्रवाई होनी है, तमाम ऐसी बातें हैं जो चौराहों पर की जाती है। कहा जाता है, लोग तरह तरह की चर्चा करते हैं कि आज इसको गिरफ्तार किया गया है। जबकि अगर बात की जाए पूरे कार्रवाई की तो पुलिस द्वारा करीब 13 जो अभियुक्त है उनको नामजद किया गया था। और इस पूरे घटना के दौरान पुलिस ने अभी तक 2 ऐसे अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है जो घटना में शामिल बताए गए थे, लेकिन वो अभी तक जो अपराधी जो मुख्य रूप से घटना में सामने देखे गए थे, जिनकी तस्वीरें सामने आई थी और लगातार जो तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही है सोशल मीडिया पर, ये तमाम वो सीसीटीवी फुटेज जो सामने आ रहे हैं जिसमें अलग अलग तस्वीरें दिख रही है अपराधियों के और दिन दहाड़े गोली और बम चलाने की तस्वीरें हैं, तो पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली। और पुलिस जो है अभी तक उन मुख्य आरोपियों को नहीं गिरफ्तार कर पाई है जिनके नाम सामने आए थे और जिनके चेहरे सामने आए थे। हालांकि इस तरीके से लल्ला गद्दी की गिरफ्तारी की भी बातें हैं वो अभी तक सिर्फ आप कह लीजिए तो सोशल मीडिया पे ही चल रही है, क्योंकि किसी भी अधिकारी ने इस पर अपना आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि लल्ला गद्दी को कहां गिरफ्तार किया गया और उससे किस तरह की पूछताछ की जा रही है और किस तरीके की बातें सामने आएंगी। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में अभी तक पुलिस कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है, जबकि बीते दिनों जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है वीडियो भी सामने आए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि करती हुई नजर नहीं आ रही है। बसपा नेता और मीट कारोबारी याकूब कुरैशी पर पुलिस और प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और मेरठ पुलिस ने याकूब के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है। पुलिस याकूब कुरैशी की 31,70,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क करेगी। वहीं मेरठ के डीएम ने कुर्की का भी आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं संबंध में सीओ किठौर को संपत्ति का प्रशासक बनाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाड़ ने बताया है कि पुलिस ने पिछले साल थाना खरखौदा में
मीट फैक्ट्री के अंदर अवैध रूप से मीट पैकेजिंग के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। वहीं बताते चले कि मेरठ पुलिस ने बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उनके बेटे को जनवरी में दिल्ली से गिरफ्तार भी किया था, उस पर इनाम तक घोषित कर दिया गया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजन सोनकर मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, याकूब कुरैशी पर कार्रवाई की तैयारी अब की जा रही है, उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है, क्या कुछ बयान पुलिस की तरफ से इस मामले पर सामने आए हैं, तकरीबन कितनी संपत्तियों को चिन्हित किया गया है? देखिए, बिल्कुल, ये बसपा के पूर्व मंत्री हैं याकूब कुरैशी, जब बहन जी की सरकार थी तब ये मंत्री थे और अब ये जेल में है। जिस लाल और नीली बत्ती में ये घूम के अपने ऐशो आराम की जिंदगी काटा करते थे, आज ये सलाखों के पीछे बाहर की दुनिया देखने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उनका साफ तौर पर कहना है कि माफिया चाहे कोई भी हो या तो प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। तो इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने याकूब कुरैशी को सलाखों के पीछे भेज दिया है, क्योंकि अवैध रूप से मीट पैकेजिंग की फैक्ट्री बड़े स्तर पर चल रही थी और उसी फैक्ट्री को चलाकर अपने परिवार को ऐशो आराम की जिंदगी ये याकूब कुरैशी कटवा रहा था। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज करते हुए दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है और इस बात को करीब 4 महीने होने पर आ रहे हैं। जनवरी के आसपास गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और बाबा के बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई वो जब्तीकरण की हो चुकी है। जो मीट पैकेजिंग की फैक्ट्री थी, जिस तरीके से अगर खबरों की माने तो तकरीबन 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई होगी, वही बुलडोजर भी चलने की खबर है, तो कहां कहां पर ये प्रॉपर्टीज चिन्हित की गई है जहां पर ये बुलडोजर की भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, याकूब की 10 गांव में अलग अलग संपत्तियां थी जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है और वहीं इसमें स्कूल और कॉलेजेस भी मिले हैं, स्कूल चलते थे और अस्पताल चलते थे उसकी अवैध संपत्तियों पर, वो भी पुलिस ने चिन्हित कर जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल देखा जाए तो पूरे तरीके से याकूब कुरैशी पर बाबा का जो हंटर चलना शुरू हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगाह पर सिर्फ एक ही टारगेट है और वो टारगेट है कि माफिया चाहे कोई भी हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी कड़ी में 10 गांव की जमीनों को जब्त कर लिया है और लगभग 32 गाड़ियां जिनकी करोड़ों में कीमत मानी जा रही है उन्हें भी जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। धन्यवाद परिवार पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। याकूब कुरैशी पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, बीजेपी नेता पर कार्रवाई की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा था कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में बसपा नेता पर अब कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है, 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के बाराबंकी स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित मोटराइज्ड साइकिल वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रतिभाग किया, जहां उन्होंने 100 दिव्यांग जनों को मोटराइज्ड साइकिल का वितरण किया है। कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस दौरान 100 दिव्यांग जनों को मोटराइज्ड साइकिल का वितरण भी किया गया है। ठीक है, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।